नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एवन रिजवी है, जो सोशल मीडिया पे जिनका वीडियो मिलियंस में देखा जाता है, और एनआरसी सीए या दिल्ली दंगा हो, हर मुद्दे पर ये अपनी बात बेबाकी से रखती हैं, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। तो आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। भारत और चाइना के बीच जिस तरीके से झड़प हुई है, हमारे 20 जवान शहीद हुए, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया प्रीतु। जिस तरीके से भारत और चाइना में झड़प हुई, हमारे 20 जवान जो शहीद हो गए हैं, उसके बाद दो दिन बाद आधिकारिक बयान आता, पीएम मोदी कहते हैं कि श्रद्धांजलि देते हैं। पहले वो श्रद्धांजलि जो एक्टर मरते हैं, उसे ऋषि कपूर हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, वो तुरंत श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हो गए, दो दिन बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी और टी वी पाकर उन्होंने बोला। प्रीतोष, अगर देखा जाए तो पहले तो पूरा ही भारत इस बात को निग्लेक्ट कर रहा था कि हमारा चाइना के साथ कोई टेंशन हुई नहीं है, ना हमारे फौजी उठे हैं, ना हमारी कोई ज़मीन गई है, ना चाइनीज़ हमारे यहाँ आए हैं। जबकि मैं पूरे एक महीने से कह रही हूँ कि चाइना जो है लद्दाख पर आ चुका है, लद्दाख घेर चुका है, फिर उसके बाद गलवाल झील घेर चुका है, और आज ये कंडीशन है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश भी हमारे से जा चुका है, वहाँ तक 12 किलोमीटर अंदर आ चुका है। लेकिन ये स्ट्रीम मीडिया जो ये यही दिखाता रहा कि नहीं, चाइनीज़ हमारे अंदर नहीं आए, चाइनीज़ ने हमारा कोई फौजी नहीं मारा, और अगर मार दिया तो उसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, फौजियों की गलती है, उन्होंने अपना जो काम था वो सही से अंजाम नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, उनमें उनका साफ तौर पर कहना कि कोई भी चाइनीज हमारे भारतीय जमीन में एंट्री नहीं किया, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? तो आप बोलने से कुछ भी बोल दीजिए, अगर नहीं करा तो पूरा लद्दाख कैसे हमारे हाथ से चला गया? नेपाल जैसे छोटे मुल्क ने फौज नहीं उतारी, सिर्फ उसकी पुलिस ने ही हमारे इतने सारे किसानों को मारा था, और उसने हमारे ही एरिया को अपना बता के कब्जा लिया और अपने नक्शा भी पास करवा लिया कि उसका है। नेपाल हमारे पे चढ़ाई कर चुका, चाइना हमारे पे चढ़ाई कर चुका। अगर आप कहते रहे कि नहीं चढ़ाई करी तो उससे थोड़ी कुछ होगा, आप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर देखें ना, इंटरनेशनल मीडिया से आपको पता चलता है कि हम भारत कितना नुकसान में जा चुके हैं, कितने फौजी हमारे जा चुके हैं। मैं मेरे ख्याल से 20 दिन से कह रही थी कि चाइना जो है हमारे फौजी उठाकर ले गया, ले जा रहा है, लेकिन सब मना कर रहे थे। अब कहाँ से आए वो फौजी? 10 फौजी वापस आए, तो जब वो उठाकर नहीं लेकर गया था तो फिर वापस कहाँ से आ गए वो? लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे ज़मीन में वो लोग नहीं आए, उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार ये बयानबाजी हो रही है कि जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो वो किसको बचाते हुए शहीद हुए? अगर वो नहीं आए तो कैसे हमारे जवान शहीद हो गए? ये सोशल मीडिया पर इस पर लेकर बहुत सवाल हो रहा है। 20 फौजी जो हमारे शहीद हुए हैं, वो भी भारत की गलत स्ट्रैटेजी की भेंट चढ़े हैं, है ना, उस पर भी कांग्रेस को लपेट रहे हैं कि जब वो 20 फौजी चाइनीज के साथ मीटिंग करने गए थे तो आपने उनको खाली हाथ क्यों भेजा था? वो फौजी थे, वो कोई वैसे थोड़ी ना वार्तालाप करने जा रहे थे, तो वो हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे? और वो हथियार लेकर नहीं गए थे तो चाइनीज हथियार लेकर कैसे आए थे वहाँ पर? चाइनीज ने उनको कैसे मारा है? 20 कर रहे हैं, कम से कम 45 मरे हैं भाई, वो 45 मरे हैं, कई सौ चाइनीज उठा कर। लेकिन आधिकारिक बयान तो बीसी आया, आधिकारिक बयान तो ये भी था कि हमारा कोई फौजी चाइना के पास नहीं गया, फिर वो 10 फौजी कहाँ से पैदा करके भेजे चाइना ने? टेस्ट ट्यूब भी थे क्या? वो भी बराबर आकर भेज दिए चाइनीज ने, मतलब 10 फौजी कहाँ से वापस आए? जब हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की फौज कह रही है कि चाइना हमारा मच्छर भी उठाकर नहीं लेकर गया, तो फिर वो 10 हमारे मेजर कर्नल फौजी कहाँ से वापस आए? चाइना काफ़ी सारे उठाकर अभी भी लेकर गया, वो हल्के हल्के छोड़ेगा, उनको दिखाएगा कि देखो तुम कितने झूठे हो। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री झूठला रहो, यहाँ का जो मीडिया झूठा हो, तो फिर उस मुल्क का तो राम भरोसा चलेगा ना फिर तो। आपने मीडिया का नाम लिया, तो मीडिया जैसे आज तक की श्वेता सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, ये आर्मी की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये मतलब लोग लिखना शुरू कर चुके हैं कि मीडिया आर्मी पे ही सवाल उठा रही है सरकार को बचाने के लिए, इसको किस तरह से आप देखते हैं? तो मीडिया, तो मैं पहले कह रही हूँ कि मीडिया के जो 4 चैनल है ये आतंकवादी चैनल है, 16 एंकर जो पक्के वाले आतंकवादी हैं, जो बिल्कुल आतंकवाद फैला रहे हैं। इनके कहने से क्या होता है, तो 15-15, 16 लाख तनख्वाह ले जाती हैं, 16 लाख हमारे 20 जवानों की सैलरी नहीं होती है पूरे साल की, ये 16 लाख एक महीने में निकाल के ले जाती हैं। किसी को दर्द जब आएगा ना, जब उसके खानदान का कोई फौजी होगा, आपने तो कह दिया वो बेचारा मर गया, आपने कह दिया कि नहीं जी हमारे मोदी जी की कोई गलती नहीं, वो अपनी गलतियों से मरे हैं। सरहद पे जाकर लड़के दिखाओ ना, तब तुम्हें पता चले ना कि देशभक्ति क्या होती है। चैनल पे बैठ के 3 घंटे बैठ के तुम देशभक्ति दिखाती हो, वो देशभक्ति नहीं होती, वो आतंकवाद होता है, क्योंकि तुम फौज के ऊपर सवाल खड़ा कर रही हो, तुम फौज को गलत साबित कर रही हो। वो फौज जो हमारे लिए मर रही है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, तुम उसी को कटहरे में ला के खड़ा कर रहे हो, तो ये मीडिया नहीं है, इस पर तो बैन लगना चाहिए, ये आतंकवाद मीडिया है।
जिस तरीके से झड़प के बाद से लगातार देश में गुस्सा है, हर कोई टीवी चाइनीज़ टीवी अपना जला रहा है, चाइनीज़ प्रोडक्ट बहिष्कार करने की बात हो रही है, लेकिन कई जगह जैसे इंडिया टीम का स्पॉन्सर वीओ करता है और बहुत सारे स्पॉन्सर चाइनीज़ कंपनियां करती हैं, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? एक LED उठाकर फेंक देना या 20 रुपए की चाइनीज झालर तोड़ देना या अपने बच्चों के पुराने खिलौने तोड़ देना, बीजेपी वाले यही तो कर रहे हैं। ये चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार नहीं होता, मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये चाइनीज चीज़ों का ना तो बहिष्कार कर सकते हैं ना चाइना के साथ जंग कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारा $92 अरब का बिजनेस है, जिसमें से हम $75 अरब वहाँ से सामान उठाते हैं और $20 अरब का हम देते हैं, तो ये नहीं कर सकते। 75 मोबाइल की ऐप्स हम चाइना की यूज़ करते हैं। हमारा टिकटॉक को अगर आप जानते होंगे, टिकटॉक पूरी दुनिया में 85 करोड़ लोग देखते हैं, जिसमें से 55 करोड़ लोग भारतीय देखते हैं। तो अगर आपको बैन करना, टिकटॉक बैन करिए ना, नहीं आप नहीं करेंगे, तो ये छोटे छोटे आपने टिकटॉक की बात की तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं और कि टिकटॉक पे मोदी गवर्नमेंट भी है, तो इसको किस तरीके से जिस चीज़ों को बैन करने की बात किया जा रहा है, टिकटॉक की बैन करने के बाद उस पर खुद सरकार है वीडियो पोस्ट कर। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ, आप मतलब जिस चैनल पर बैठ कर ये कह रहे हैं कि चाइना की चीज़ों को बाइकआउट करो, उस चैनल को वीवो स्पॉन्सर कर रहा है, न्यूज़ चैनल को, IPL को कर रहा है, तो आप सब चीज़ों को करिए ना बैन। ये क्या कि आपने 10,000 रुपये का LED बैन कर दिया, 20 रुपये की चाइना की लड़ी बैन कर दी, यानी आप गरीबों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं 90% चाइना का मोबाइल है हमारे पास, हर एक के आदमी चाइना का मोबाइल है। जिस स्टूडियो में बैठ के ये गोदी मीडिया आतंकवादी मीडिया बकवास करता है, टोटल चाइना का सेटअप पे बात करते हैं, तो किस किस चीज़ों को आप बैन करेंगे? अगर आप चाइना की चीज़ों को बैन कर देंगे ना, कम से कम 20-25 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे भारत में, नहीं करेंगे आप। भारत में कम से कम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है 75% चाइनीज पैसा लगा हुआ है, ओला है, उबेर है, जितनी गाड़ियां हैं, जितनी कंपनी है, सब चाइना की। क्या क्या बैन करेंगे आप? आप नहीं बैन कर सकते। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई क्यों नहीं आप चाइना पे हमला करते हैं? जब हम इतने ताकतवर हैं, हम सुप्रीम हैं भारत वाले, तो हम चाइना पे क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? हमने नेपाल पे हमला नहीं करा, हमने चाइना पे हमला नहीं करा, कल को भूटान भी खड़ा हो जाएगा, अफगानिस्तान भी खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान भी खड़ा हो जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एवन रिजवी जी थी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बारीकी अंदाज में दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।